सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 13 अगर आप नहीं देखते हैं तो समझिए आप कुछ मिस कर रहे हैं। एक से एक बढ़कर कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस के अलावा एक और खास चीज है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। जब से सीजन 13 शुरू हुआ है, सीजन की एक ऐसी फीमेल कंटेस्टेंट है जिसकी खूबसूरती की कसीदे पढ़ी जा रही है। शार्प फीचर्स, मिलियंस डॉलर स्माइल और चेहरे की रौनक और मासूमियत ऐसी कि कोई भी अपना दिल हार जाए। यहाँ बात हो रही है विदिप्ता चक्रवर्ती की। विदिप्ता चक्रवर्ती ने अपनी परफॉर्मेंस के अलावा अपनी खूबसूरती से हर किसी का मन मोह लिया है, जिनकी हर तरफ चर्चा हो रही है। और अगर अब तक आपने विदिप्ता चक्रवर्ती की परफॉर्मेंस नहीं देखी तो वाकई आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। तो चलिए विदिप्ता चक्रवर्ती की कुछ खासियत बताते हैं जिसके बाद आप भी विदिप्ता के लट्टू होने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिला दें, नीतू की पलटन का नया ब्लॉग आ चुका है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो इंडियन आइडल 13 की सबसे खूबसूरत कंटेस्टेंट विदिप्ता की सुंदरता की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। शो में आता हर मेहमान उनकी खूबसूरती का बखान करता है। खूबसूरती के मामले में विदिप्ता चक्रवर्ती बॉलीवुड की हीरोइनों को कड़ी टक्कर देती हैं। तभी तो जब भी कोई फीमेल मेकर सिंगिंग रियलिटी शो में आता है वो विदिप्ता के लुक्स की तारीफ के बिना रह ही नहीं पाता है। उन्हें विदिप्ता में नेक्स्ट हीरोइन नजर आती है। पहले सुभाष गई विदिप्ता की खूबसूरती के इस कदर लट्टू हुए कि उन्होंने ना केवल उनकी खूबसूरती की तारीफ की बल्कि उन्हें फिल्म का ऑफर तक दे दिया, फिल्मों में काम करने का सवाल तक रख दिया। अब हालिया एपिसोड में डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने विदिप्ता को फिल्मों में मौका देने की बात कही है। जी हाँ, पूरी बात हम आपको डिटेल में बताते हैं। सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं, क्योंकि कल की आई लड़की ने वाकई पूरा मंच न केवल हिला दिया बल्कि देश के लड़कों को भी लट्टू कर दिया है। इंडियन आइडल के मंच पर सूरज पहले तो विदिप्ता की सिंगिंग सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए, फिर उन्होंने विदिप्ता के सामने बड़ा ऑफर रख दिया। उन्होंने विदिप्ता से कहा कि सिंगर तो आप ही हैं, लेकिन कभी हल्का सा मन हो तो एक्ट्रेस बनने का भी प्रयास करें। राजश्री हीरोइन आप बहुत अच्छे से करोगे। इतना ही नहीं, स्टेज पर विदिप्ता का ऑडिशन भी लिया गया। विदिप्ता के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे सीधी सादी और मासूम विदिप्ता दिखती हैं, उसे देखकर कहना गलत नहीं होगा कि विदिप्ता में राजश्री हीरोइन बनने के सारे गुण हैं। कंटेस्टेंट को जिस तरह से बैक टू बैक एक्टिंग के ऑफर मिल रहे हैं, इसे देखकर फैंस का मानना है कि विदिप्ता को इसके बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि सिंगिंग के अलावा उन्हें ये भी बड़ा ऑफर मिला है। सिंगिंग में धमाल मचाने के बाद यकीनन एक्टिंग फिल्म में भी वो बेहतरीन करेंगी। विदिप्ता कई सिंगिंग रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुकी हैं। वो म्यूजिक की पाठशाला, सारेगामापा लिटिल चैंप्स, सारेगामापा 2021 की कंटेस्टेंट थी। वो कोलकाता से हैं और बचपन से विदिप्ता का सिंगिंग की तरफ झुकाव रहा है। विदिप्ता बांग्ला के सिंगिंग शो सारेगामापा 2021 की फर्स्ट रनर अप बनने के बाद लाइमलाइट में आई है। 24 साल की विदिप्ता कम उम्र में पॉपुलर हो चुकी है और उनके पेरेंट्स को उन पर गर्व है। तो आप विदिप्ता के लुक्स पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको भी लगता है कि विदिप्ता सिंगिंग के अलावा एक बार एक्टिंग की दुनिया में भी अपनी कोशिश करेंगी और उन्हें सफलता भी मिलेगी? सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 13 को अपने टॉप 15 कंटेस्टेंट मिल चुके हैं। आज रात 8 बजे द ड्रीम डेब्यू के साथ एक जोरदार ग्रैंड प्रीमियम भी हुआ और दर्शकों का एंटरटेनमेंट भी हुआ। इंडियन आइडल 13 के टॉप 15 कंटेस्टेंट में अयोध्या के ऋषि सिंह, जम्मू कश्मीर के चिराग कोतवाल, रांची के शगुन पाठक, लखनऊ के विनीत, अमृतसर के नवनीत और रूपम भंडारिया, बदौरा के शिवम सिंह, गुजरात की काव्या और कोलकाता की विदिंता चक्रवर्ती, अनुष्का पात्रा, सिजुंती संचारी, सोनाक्षी, देवस्मिता राय, प्रीतम रॉय जैसे कंटेस्टेंट शामिल हैं। वहीं अभी भी फैंस को उम्मीद है कि इस शो में किसी भी वक्त पवन अरुणिता की एंट्री हो सकती है। जी हाँ, पवन अरुणिता की एंट्री के लिए शो में काफी इंतजार किया जा रहा है और पवनदीप अरुणिता एक नए लुक में इस शो में एंट्री करने वाले हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पुराने कंटेस्टेंट यानी पवनदीप अरुणिता को जरूर बुलाया जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पवनदीप अरुणिता आएंगे? वही आपको बता दें, इस बार की ग्रैंड प्रीमियम की पूरी थीम बदल दी गई है। ग्रैंड प्रीमियम एपिसोड में जजेस हिमेश रेशमिया, नेहा कक्कर और विशाल ददलानी के अलावा संगीत जगत की कुछ जानी मानी हस्तियां भी नजर आईं।
इन सभी लोगों ने एपिसोड को दिलचस्प और मजेदार बना दिया। मंदाकिनी भी इंडियन आइडल सीजन 13 के साथ पहली बार किसी रियलिटी शो में नजर आई और काफी सारी बातें भी की। शो के वीडियो ने हर किसी का दिल खुश कर दिया, लेकिन इन सब के बीच पवनदीप अरुणता की कमी खली। सारी वीडियोस देखने के बाद बस एक ही कमेंट किया जा रहा है कि पवन अरुणता कब आएंगे, आखिर उन्हें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। इस दौरान शानदार परफॉर्मेंस देने वाली देवस्मिता ने बताया कि द ड्रीम डेब्यू एक ऐसा मौका है जिसे वो हमेशा सजोकर रखेंगी, क्योंकि उनका परिवार खास तौर पर उनके पिता दिग्गज स्टार ताजो के साथ बैठे नजर आएंगे। ये नेहा कक्कर को अपने माता पिता को मंच पर लाने और पिता को जज की सीट पर बैठाने के लिए प्रेरित करेगा। तो एक वीडियो में देखा गया था कि अरुणिता पवनदीप को प्यार से पकौड़े खिलाती नजर आ रही थी। उस वीडियो को काफी शेयर किया गया था और वीडियो को लेकर अनु मलिक भी कहते दिखाई दिए थे, अरुणिता पकौड़े बनाएंगे और हिमेश भी खाएंगे। इसके बाद अरुणिता सबके लिए पकौड़े लेकर आती हैं और अनु, हिमेश और सोनू कक्कर सब खाते दिखाई देते हैं। फिर आदित्य नारायण पवनदीप को अपने हाथों से पकौड़े खिलाते हैं। पवनदीप इसके बाद कहते हैं कि बारिश का मौसम जब भी आता है कुछ नया लेकर आता है, मुझे लगता है मैं प्यार में हूँ। उसके बाद कंटेस्टेंट के साथ साथ तीनों जजेस भी चौंक जाते हैं। अब पवनदीप के इस कन्फेक्शन पर अरुणिता का भी रिएक्शन होगा, ये तो आप सभी को पता ही होगा। वैसे दोनों की बॉन्डिंग और शो में दोनों की केमिस्ट्री के बाद सबको लग गया था कि पवनदीप अरुणिता एक दूसरे को प्यार करते हैं, ये रियल कपल तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन आदित्य नारायण ने क्लियर कर दिया था कि ये सब सिर्फ मस्ती के लिए हो रहा है। आदित्य ने कहा था कि ये सब तो सिर्फ एक स्ट्रेटजी है। अब क्योंकि शो 90 मिनट का होता है तो उसमें सब एंटरटेनिंग करने के लिए ये सब तो करना ही होगा। आदित्य ने आगे कहा था कि वैसे भी दोनों को इससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं, दोनों को किसी तरह की किसी से कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब पवन अरुणिता की सहमति से ही ये एपिसोड शूट किया गया था और ये एपिसोड काफी ज्यादा देखा गया था, लोगों को काफी अच्छा भी लगा था। अब कुछ इसी तरह का फिर से इंतजार किया जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इंडियन आइडल 13 में कौन एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट है? तो फैंस, हाल ही में अरुणिता बंगाल इवेंट में गई थी, इसके साथ ही वो पास में एक पंडाल में गई थी जहां दुर्गा पूजा हो रही थी। वह अरुणिता एमएलए से मिली और अरुणिता से एमएलए मिलकर बहुत खुश हुए, उन्होंने अरुणिता की तारीफ की, माइक में अरुणिता से कुछ बातें ऐसी की जिससे सुनकर अरुणिता खुश हो गई, उनका सम्मान किया और फिर अरुणिता से बंगाली भाषा में बात की गई तो अरुणिता भी बंगाली भाषा में जवाब देती है। अरुणिता की बंगाली लैंग्वेज सुनकर फैंस बहुत खुश हुए। उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, अरुणिता पर खूब फूल भी बरसाए जा रहे हैं। अरुणिता से काफी सारे लोग मिले और वो बहुत खुश हुई, अपने फैंस को धन्यवाद कह रही हैं और भी कुछ बातें भी की हैं उन्होंने।